हेलो सिविलियंस, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नई वीडियो में। और आज से हम एक नई टॉपिक, नई सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इससे पहले हमने बिल्डिंग मटेरियल्स ऑलरेडी खत्म कर रखा है और आज से हम सेकेंड सब्जेक्ट कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ पैरेलली हम क्या लाएंगे, जो बिल्डिंग मटेरियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलग अलग एग्जाम्स के या कोई स्टैंडर्ड्स बुक है, जैसे कि गुप्ता एंड गुप्ता हो गया, खुरमी हो गया, तो इन सब बुक्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसके पैरेलली, ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है, जहाँ पे 6 चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे। जो पहला चैप्टर होगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सेकेंड चैप्टर स्टडी करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, थर्ड चैप्टर करेंगे इंटरनल फोर्सेस इन स्ट्रक्चर्स, फोर्थ विल बी फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, फिफ्थ विल बी सेंटर ऑफ मास एंड सिक्स्थ विल बी फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्ड SDOF सिस्टम। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस की, तो इससे कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं, गेट में हो गया या आपके स्टेट वगैरह, स्टेट AEJEE में हो गया, ठीक है। और बाकी इसका एप्लीकेशन है आपका सोम, जब पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो वहाँ पे इसका यूज थोड़ा बहुत आएगा। जो बहुत छोटा छोटा सब्जेक्ट है, तो उसको जल्द हम आई थिंक 6 चैप्टर और 6 वीडियो में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ताकि हम एक हमारा बेस बनेगा, फाउंडेशन बनेगा, उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जो सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फिर उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस, अगर उसको बात करें क्या होता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो इन द स्टडी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी को अगर हम स्टडी करते हैं, व्हेन इट इज इन रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फोर्सेस मोमेंट कपल। कोई बॉडी रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो हम इस स्टडी करने के लिए क्या हमें जरूरत होगा, प्रॉपर फोर्स के कंसेप्ट का नॉलेज का जरूरत होगा, मोमेंट का नॉलेज चाहिए, हमें कपल का मोमेंट चाहिए। तो ये सब क्या है, अलग अलग कंसेप्ट के हमारे पास जानकारी होना चाहिए, तभी हम उस बॉडी को स्टडी कर सकते हैं। जो बॉडी रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, उसका नेट फोर्स जीरो एक्ट हो रहा है, ठीक है। इन अ फोर्स सिस्टम, टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड दिस स्टडी इज नोन एज फोर्स सिस्टम और सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स सिस्टम में क्या होता है, जब किसी भी बॉडी पे दो या उससे अधिक फोर्स लग रहा होता है, तो उसको बोलेंगे फोर्स सिस्टम या सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो फोर्स में बी डिफाइंड एज एनी एक्शन बाई विच चेंज कैन बी मेड ऑन द बॉडी आइदर इन रेस्ट और इन मोशन स्टेट बाई अप्लाइंग। फोर्स क्या है, उसको डिफाइन कर सकते हैं एनी एक्शन, कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं जिसके हेल्प से क्या हो सकता है, चेंजेस कैन बी मेड, उसमें बदलाव हो सकता है उस बॉडी में, आइदर इन रेस्ट, बॉडी या तो रेस्ट में होगा या उसके मोशन स्टेट में होगा, मोशन में होगा। तो उसके जो इसका रेस्ट है आपका, जो कह सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन है, या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन कर रहा होगा, तो फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं जो हम उसको अप्लाई करके उसके इस मोशन को, इस उसके कंडीशन ऑफ स्टेट को हम चेंज कर सके। रेस्ट में है तो मूव करा दिए तो उसका रेस्ट में कर दिए, तो अगर हम चेंज पॉसिबल हो पाएगा किसी चीज़ के एप्लीकेशन से, तो उस एक्शन को हम बोलेंगे फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो फोर्स का अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो फोर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो फोर्स में क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा फोर्स में, और क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो अलग अलग जगह पर अलग फोर्स लगाने से क्या होगा, उसका अलग अलग इम्पैक्ट आता है, इसलिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, तो हमें बताना पड़ेगा कि फोर्स हमें लगा कहाँ रहा है, अप्लाई कहाँ कर रहा है, कैसे इसका इफेक्ट होगा, वो आगे देखेंगे, कैसे मोमेंट डेवलप होगा, करेगा कपल डेवलप करेगा अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होने पे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स लगाने का डायरेक्शन क्या है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन भी है, मतलब इसका डायरेक्शन भी मायने रखता है इसके फोर्स के इम्पैक्ट को बताने के लिए। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस का अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए डायरेक्शन में मायने रखेगा। और इसीलिए जो फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हो गया फोर्स रिप्रेजेंटेशन, ये आपका बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। ये आपका बॉडी है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। अब थोड़ा समझते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर क्या होता है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट देम। तो यह क्या है, वह फिजिकल क्वांटिटी है विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई डायरेक्शन का आवश्यकता नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड
अगर पता चल जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी को हम समझ सकते हैं, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि टाइम, टाइम में क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, कोई डायरेक्शन का जरूरी नहीं है, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, मास, ये सब क्या है, सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लगने से क्या आ सकता है, इन क्वांटिटी को हम समझ सकते हैं, डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। वही वेक्टर क्या होता है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का भी जरूरत होता है और एक डायरेक्शन का भी जरूरत होता है टू रिप्रेजेंट देम, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड मस्ट ओबे द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है, पहला उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा उसका डायरेक्शन क्या लग रहा है, ठीक है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, क्या होता है इसको देखेंगे आगे, ठीक है। सिंपल याद रखिएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। एग्जाम्पल फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज बताना होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट वेलोसिटी, इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजें की आवश्यकता होगी, एक मैग्नीट्यूड क्या है, एक किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। उसी तरह से मोमेंट, एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर इज अ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर टेंसर क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड क्रिएट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन टू रिप्रेजेंट देम आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन ऑफ एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट हो गया टू रिप्रेजेंट देम, उसे कह देंगे सेकंड ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो ये सब क्या है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें तीन चीजों की जरूरत होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, फोर्स लगा रहा है तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई प्लस बी जे, ठीक है, आई हो गया एक्स डायरेक्शन, वाई हो गया जे, हो गया रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और आई जे डायरेक्शन है, आई मतलब एक्स डायरेक्शन में और जे हो गया वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम वेक्टर ऑपरेशन की बात करें तो पहला ऑपरेशन है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट को बोलेंगे इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इट रिजल्ट्स इन स्केलर क्वांटिटीज, तो ये क्या रिजल्ट करेगा, स्केलर स्केलर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि सी, सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो दो वेक्टर का इस डॉट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो बन जाएगा सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं ये आपका बॉडी हो गया, ये आपका बॉडी हो गया P, ठीक है, इसके हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F और इसी डायरेक्शन में R मूव कर गया। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये बन जाएगा W, दैट इज वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट R, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है, मतलब F और R के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, F भी इधर लग रहा है और एंगल भी इधर ही, सॉरी R भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो जीरो डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस जीरो क्या आ गया, वन आ गया, तो F इंटू R, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ आर, सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ आर इज वर्क डन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे कहेंगे वर्क डन। अगर बात करें क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे हम क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। इट रिजल्ट इन वेक्टर क्वांटिटी, ये रिजल्ट करेगा वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालेंगे तो जब एक फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्लियर है। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा रिजल्टेंट प्रोडक्ट का, जैसे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी हो गया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो सी इज इक्वल टू हो गया ए बी साइन थीटा, ठीक है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, जैसे कि ये आपका हो गया F, ये हो गया R, तो F क्रॉस R होता है M, मोमेंट, तो M इज इक्वल टू क्या हो गया,
एफ क्रॉस आर, तो जो मोमेंट होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब एफ आर साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या होगा, एम इक्वल टू एफ क्रॉस आर, तो साइन 90 वन डिग्री वन हो जाएगा, तो एम इक्वल टू एफ इनटू आर, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट इज परपेंडिकुलर क्रॉस द परपेंडिकुलर इनवर्स द प्लेन, तो प्लेन में अंदर की तरफ होगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मोमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आपका होगा मोमेंट, ठीक है। अगर बात करें वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस की, तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में जो पहला है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, सपोज दैट ये आपका एक वेक्टर है, ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, उसी तरह से ये बी वेक्टर दिया हुआ है, इस दोनों का हम ऐड करें, क्या करें ऐड करें, ये बन जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर, और इसको ऐसे मिला देंगे जिसको बोलेंगे आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, तो जो आर वेक्टर का टेल होगा, ठीक है, वो ए वेक्टर के टेल से मिलेगा, और उसका आर वेक्टर का जो हेड होगा वो बी वेक्टर के हेड से मिलेगा, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, इसी को बोलेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। जो दूसरा लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो गया ए वेक्टर, ठीक है, ये आपका हो गया बी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे फिर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इसके पैरेलल ए और बी के, और फिर इसका जो डायगोनल होगा उसको हम एक्सटेंड कर देंगे ए आर के, आर वेक्टर जो कि ए प्लस बी वेक्टर होगा उसके हेड को हम मिला, उसके टेल को मिला देंगे ए वेक्टर के टेल से, और उसके हेड को मिला देंगे बी वेक्टर के टेल से, मतलब एक डायगोनल बना देंगे, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आर वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया आर, अगर हम आर का मैग्नीट्यूड निकालें तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट, कैसे निकाले, ये आर हो गया यहाँ पे ये पूरा, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस प्लस दिस, ये क्या हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, वही दे रहा है यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, ये वाला पर्सन हो गया आपका बी साइन थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये बी है, तो ये वाला बी कॉस थीटा, जो हॉरिजॉन्टल पे होता है बी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल पे होगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया आर का मैग्नीट्यूड, तो आर इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसी को अगर एक्सपेंड करेंगे तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसको हम ले जाएंगे बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है वन हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका फाइनली आ गया आर का मैग्नीट्यूड, तो आर का मैग्नीट्यूड आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। वही थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए एंड बी, और टैन अल्फा निकालना पड़ेगा, टैन अल्फा यहाँ पे क्या होगा देख सकते हैं ये वाला, ये जो है आपका टैन अल्फा है, मतलब एक्स से आर कितना इंक्लाइंड है, उसको बोलेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा क्या होगा ये वाला, जो बी वेक्टर का जो वर्टिकल होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, दैट गिव्स यू टैन अल्फा, ठीक है। फिर पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर, फिर डी वेक्टर, फिर इन लोगों का सभी जो वेक्टर्स है उसको क्या करेंगे हम क्लोज लूप में बंद करेंगे, और आर वेक्टर का जो टेल होगा वो हम ए स्टार्टिंग वेक्टर के टेल से मिला देंगे, तो आर वेक्टर का हेड होगा वो एंडिंग वाले वेक्टर के टेल से मिला देंगे, तो यही आपका आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन क्या हो गया ए स्क्वायर, अगर हम इसको सिक्वेंसली चले तो आर वन इज इक्वल टू दिस विल गिव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वन, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वन, ठीक है। टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा वन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा वन, जो पहले हमने कर रखा ऑलरेडी, ठीक है। उसी तरीके से आर टू क्या होगा अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू आर वन कॉस थीटा टू टेन बीटा इज इक्वल टू सी साइन थीटा, तो उसे सिक्वेंस में निकाल लेंगे, ठीक है। वेक्टर्स आर नॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्टिंग, वेक्टर्स क्या होते हैं इसको डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं,
द ग्राफिकल मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज गिवन बिलो। तो ये आपका जैसे कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि a वेक्टर है और b वेक्टर है, तो a वेक्टर इसका क्या करेंगे, हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, क्योंकि माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो माइनस b वेक्टर की जगह से लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, इसको तो यहाँ पे एडिशन आ गया। तो क्या करेंगे, जो b वेक्टर है ऐसे इस डायरेक्शन में, इसको हम डायरेक्शन चेंज कर दिया 180 डिग्री से, और ये आ गया माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसे हम ऐड कर देंगे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और फिर ये हम मिला देंगे तो आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करते हैं। अगर मैथमेटिकल मेथड की बात करें, ठीक है, तो पहला है कंपोनेंट मेथड, इसका कंपोनेंट तोड़ के, जैसे कि ए वेक्टर हो गया, इसका थीटा 1 एंगल दिया हुआ हॉरिजॉन्टल से, तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा 1 आएगा, और वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, ए साइन थीटा 1 आएगा। उसी तरीके से बी वेक्टर दिया हुआ है, इसका अगर हम ब्रेक करेंगे, थीटा 2 एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा बी कॉस थीटा 2, और वाई डायरेक्शन में आ जाएगा बी साइन थीटा 2, ठीक है। उसी तरह से कि आर वेक्टर आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये होगा आर कॉस अल्फा उसका एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में होगा आर साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे जो आर कॉस अल्फा क्या होगा, आर कॉस अल्फा ये आपका होगा ए कॉस थीटा 1 प्लस बी कॉस थीटा 2। आर साइन अल्फा की बात करें तो दोनों का वाई जोड़ देंगे हम, ए साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2। टेन अल्फा क्या होगा आपका, आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा, तो आर साइन अल्फा क्या है ये पुट कर देंगे हम, ए साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2 अपॉन ए कॉस थीटा 1 प्लस बी कॉस थीटा 2, ठीक है। आर इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट आर कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस आर साइन अल्फा स्क्वायर। कार्टेशियन मेथड क्या होता है, यहाँ पे a को रिप्रेजेंट किया गया है ए वन आई प्लस बी वन जे, ए वन आई प्लस बी वन जे। बी वैक्टर क्या हो गया, ए टू आई प्लस बी टू जे, ठीक है। आर वैक्टर इजकल टू ए एन प्लस ए टू आई वैक्टर प्लस बी वन प्लस बी टू जे वैक्टर। आर इजकल टू अंडर रूट ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर प्लस बी वन प्लस बी टू का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ दिया हमने x, इसका भी x x जोड़ दिया, दोनों को मिला दिया, और दोनों का y y ऐड कर दिया, ये एक वैक्टर आ गया, फिर इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। नहीं कर दिया, टेन अल्फा आ गया आपका वाई अपॉन एक्स कर दिया, तो वाई क्या है, बी वन प्लस बी टू है, और नीचे में ए एन प्लस ए टू आ गया, क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। टू फोर्सेज एफ वन एंड एफ टू आर ऑफ 10 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन आर अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी पे क्या हो, दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक एफ वन है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन, और एक एफ टू है जिसका मैग्नीट्यूड 20 किलो न्यूटन है रिस्पेक्टिवली। If F1 is acting in the horizontal direction, तो F1 है वो एक्ट कर रहा है horizontal direction में, वेर F2 जो है वो acting inclined at 60 degree from the horizontal, horizontal से 60 degree पे act कर रहा है। Determine the resultant force निकालना है आपको, उसका magnitude निकालना है और direction निकालना है। तो F1 दिया हुआ है 10 kN, ठीक है, F2 दिया हुआ है 20 kN। यहाँ पे देख सकते हैं जो F1 है वो act हो रहा है horizontal, जो F2 है, F2 है ये 60 degree पे inclined होके act हो रहा है, ठीक है, ये साठ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिजल्टेंट निकाले फोर्स F1 F2 का, तो ये आपका FR आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते पैरेललोग्राम लॉ लगा दें तो क्या होगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे FN स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 20, और 60 डिग्री दिया होगा cos 60, तो वैल्यू पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 26.45, और tan अल्फा अगर पूछ दिया तो F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू दिस। फिर एक क्वेश्चन है, ऑन द रिजिड बॉडी द फॉलोइंग फोर्सेस आर अप्लाइड। तो फॉलोइंग फोर्सेस अप्लाई करते हैं, F1 इज इक्वल टू 2i है, F2 इज इक्वल टू 2i प्लस 2j है, F3 इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j है, F4 इज इक्वल टू माइनस 5i है, F5 इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 2j है। ये पांच फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, और इसका x और y कंपोनेंट दिया हुआ है अलग अलग का। बॉडी इज एन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, देन डिटरमाइन द टेंशन वेक्टर विच फोर्स है बॉडी। तो कौन सा टेंशन वेक्टर है जो बॉडी को होल्ड करके रखा है, तो हमने ये निकाल लिया F1 इज इक्वल टू माइनस F2 F3 F4 F5, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, FR इज इक्वल टू 2i सबको जोड़ देंगे अलग अलग, और फिर हम सबको क्या करेंगे, उसका x कंपोनेंट अलग और f2 अलग, तो fr इक्वल टू जाएगा माइनस 4j प्लस 2j माइनस 4i प्लस 2j। तो टेंशन वेक्टर क्या होगा, प्लस fr मैग्नीट्यूड, इसे निकाल लेंगे तो अंडर रूट 20 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द रिजल्टेंट
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स इज 10 kN, तो 10 kN आपका आर फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स का, व्हेन दे आर इंक्लाइंड 60 डिग्री, जब 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो जो रिजल्टेंट आ रहा है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 kN, ठीक है। जब सॉरी जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है तब जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो 10 kN आ रहा है। When they are inclined at 60 degree, जब 60 degree पे inclined होता है, then their resultant is 5√6 kN. तब उसका जो resultant होता है, वो 5√6 kN होता है। तो determine the magnitude of individual forces. तो दो आपको दोनों individual forces का क्या निकालना है, magnitude निकालना है। निकाल लेंगे F1 equal to क्या होगा? Under root F1 square under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. First case में क्या है? Theta is equal to 90 degree है, तो उस case में जो FR का magnitude है, वो 10 kN है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90. cos 90 क्या होता है? 0 डिग्री होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू 100. अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो FR इक्वल टू दिया हुआ है 5√6, तो इसी को क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, तो 25 × 150 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60. cos 60 क्या होता है, उसको वैल्यू पुट करेंगे 1/2 होता है, यहाँ पे क्या आ गया F1 square plus F2 square is equal to F1 F2. अब इस equation को हम क्या करेंगे, equate करेंगे 1 and 2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा आप क्या, मतलब value put कर देंगे F1 square plus F2 square is equal to 100, तो F1 F2 आ गया 50, तो F1 निकालेंगे 50 बना F2, ठीक है। अब इस equation को solve कर देंगे तो F1 आ गया root 50 और F2 आ गया root 50, ठीक है। एक previous question देखते हैं, the magnitude of forces P, Q and R are 100 kN, 250 kN and 150 kN respectively. So, three aapko force diya hua P, Q, R, jiska magnitude hai 100 kN, 250 aur 150. The respective values of magnitude and the directions of the resultant vector. Jo resultant vector banega uska kya magnitude hoga, kya direction hoga, ye puch raha. To yahan pe dekh sakte hain previous question diya hua hai P, Q, R, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री पे है P का, Q आपका 45 90, इसको सॉल्व करने पे तो कुछ नहीं करना है, इसका कंपोनेंट में तोड़ देना है x y डायरेक्शन में और फिर ऐड करके R निकाल लेना है, रिजल्टेंट निकाल लेना है, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, खुद से नहीं होगा तो फिर इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सिस्टम ऑफ फोर्सेज अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ फोर्सेज के बारे में, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली दो तरह के फोर्सेस होंगे, एक होगा कॉलिनियर फोर्स, एक होगा कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स को फर्दर डिवाइड किया गया दो फोर्सेस में, कंकरेंट फोर्सेस एंड नॉन कंकरेंट फोर्सेस। अगर बात करें कोलिनियर फोर्सेस की, द फोर्सेज एक्ट अलोंग अ लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर फोर्सेस। एक लाइन के अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगा उसको बोलेंगे हम कोलिनियर फोर्सेस। एफ वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है, तो सारा समेशन हो गया, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे कोलिनियर फोर्स। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू Fn वेक्टर, ठीक। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स, यहां पूछ रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालना है आपको। F1 वेक्टर का दिया हुआ इस डायरेक्शन में, F2 अपोजिट है और F3 इस डायरेक्शन में है। F1 का मैग्नीट्यूड 10 N है, 5 N 5 N, तो यह F2 F3 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 10 N आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, द फोर्सेस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्लेन। आप एक ही प्लेन में जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स, मतलब एक ही फोर्स में एक्ट कर रहा है। उस केस में F वेक्टर इक्वल क्या हो गया, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, यहां पे दिया हुआ F1 वेक्टर F2 F3, तो सबको क्या करेंगे हम, F1 वेक्टर को तोड़ देंगे, F1 sin थीटा F1 cos थीटा 1, F2 को तोड़ देंगे F2 cos थीटा 2 F2 sin थीटा 2 और F3 को तोड़ देंगे हम F3 cos 3 F3 cos sin 3 और फिर इसको ऐड कर देंगे, F cos alpha is equal to आ जाएगा F1 cos 1 F2 cos 2 minus F3 cos 3, F sin alpha is equal to F1 sin 1 F2 sin 2 minus F3 sin 3, ठीक है। कोप्लेनर एंड कोप्लेनर फोर्सेस कैन बी एडेड इन द 2D प्लेनर इटसेल्फ। जो कोप्लेनर और कोप्लेनर फोर्सेस होगा कैन बी एडेड इन द 2D प्लेन इटसेल्फ, ठीक है। 2D प्लेन इटसेल्फ में एक्ट करेगा कोप्लेनर और कोप्लेनर फोर्सेस, इसको आप ऐड कर सकते हैं 2D प्लेन में ही। अगर बात करें रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में एक्ट कर रहा है और कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रहा है,
उस केस में आर क्या होगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर, जैसे कि ये आपका हो गया एक ही पॉइंट से पास कर रहा है और एक ही प्लेन में है, तो एफ वन का डायरेक्शन ये हो गया, एफ टू इधर, एफ थ्री एफ फोर, तो ये हो गया डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे एक्ट कर रहा है को प्लेनर और कंकरेंट भी है क्योंकि एक पॉइंट से पास कर रहा है सबके सभी फोर्स, ठीक है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है जितना भी फोर्सेस है, ठीक है। रिजल्टेंट कैन बी ऑब्टेन बाई एडिंग ऑल द फोर्सेज पासिंग थ्रू द सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो जो रिजल्टेंट होगा कैन बी ऑब्टेन, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं बाई एडिंग ऑल द फोर्सेज पासिंग थ्रू द सेम लाइन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट्स ऑफ नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, अगर नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस है, एक पॉइंट से पास नहीं कर रहा है लेकिन कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में सारा फोर्स लाई कर रहा है, तो जनरली फोर्सेस सिस्टम एक्टिंग इन अ प्लेन ऑन अ बॉडी मे बी नॉन कंकरेंट, ठीक है। जब भी फोर्स सिस्टम एक्ट करेगा किसी भी बॉडी में तो वो क्या हो सकता है, नॉन कंकरेंट हो सकता है। द सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग इन द बॉडी रिड्यूसेस टू अ सिंपल फोर्स सिस्टम, तो जो भी सिस्टम ऑफ फोर्सेज बॉडी पे एक्ट कर रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल फोर्स सिस्टम में, विच डज नॉट अल्टर द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द ओरिजिनल फोर्स, जो अल्टर नहीं करेगा जो ओरिजिनल फोर्स सिस्टम के इफेक्ट है ना, वही इफेक्ट सेम रहेगा और उसको हम सिंपल फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना डिस्टर्बिंग, विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द ओरिजिनल फोर्स सिस्टम ऑन द बॉडी। द इक्विवेलेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग क्या होता है, द इक्विवेलेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द रिजल्टिंग फोर्स एज एक्टिंग एट एन आर्बिट्री पॉइंट एंड ए कपल, जो एक इक्विवेलेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी किसी भी बॉडी पे एक्ट करेगा, इज द रिजल्टिंग फोर्स एफ एक्टिंग एट एन आर्बिट्री पॉइंट, ये क्या होगा, एक रिजल्टिंग फोर्स एफ किस पे एक्ट करेगा, एक आर्बिट्री पॉइंट पे, और एक कपल लगा देंगे। द चॉइस ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी डिपेंड अपॉन द कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसीडरेशन, कौन से पॉइंट पे हम शिफ्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा भाई कन्वीनियंस क्या है उसका, उस प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। जैसे कि ये आपका दिया हुआ है ए, ठीक है, यहाँ पे F1 ऐसे लग रहा है, F2 ऐसे लग रहा है, F3 ऐसे, F4, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, सभी पॉइंट को हमने क्या किया है, इसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको यहाँ पे ले आया F1, ये F2 था तो इसको F2 ऐसे कर दिया, F3, F4, और यहाँ पे M डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड M लगा दिया, कपल लगा दिया, ठीक है। इसको फिर एक क्या हम कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सिस्टम में M और F, चारों फोर्स का F, जो नेट एफ आएगा कि मान लीजिए किसी डायरेक्शन में, तो हमने इधर लगा दिया एफ और फिर एक नेट एम मैग्नीट्यूड का मोमेंट अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, तीनों का सेम इफेक्ट क्रिएट होगा तीनों सिस्टम ऑफ फोर्सेस का, ठीक है। वही भी दिया हुआ है कि लेट एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड एफ फोर विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज मूव्ड टू एन आर्बिट्री पॉइंट ए, किसी आर्बिट्री पॉइंट ओ पे हमने मूव कर दिया, सो दैट इट कैन बी रिड्यूस्ड, सो दैट ताकि उसको रिड्यूस कर सके एक रिजल्टेंट फोर्स एफ में एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट कपल एम में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या होगा, 250 मिलीमीटर होगा एंड वेट डब्ल्यू 10 किलो न्यूटन, तो 250 मिलीमीटर रेडियस है उसका, वेट क्या है 10 किलो न्यूटन, इज रोल्ड अप एन ऑब्स्टिकल ऑफ हाइट 50 मिलीमीटर, तो ये 50 मिलीमीटर हाइट का एक ऑब्स्टिकल है, उसको रोल करता है बाई अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी एट इट सेंटर, उसके सेंटर पे, सेंटर पे क्या होता है पी फोर्स लगता है, हम लगाते हैं और इसको ऊपर रोल करना है, ठीक है। ऑल इंटरफेसेस आर अज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पी, तो पी का मिनिमम वैल्यू पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, सभी फ्रिक्शनलेस है तो निकाल लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिजिड बॉडीज ऑफ मास 5 केजी एंड 4 केजी आर एट रेस्ट, दो रिजिड बॉडीज है मास 5 केजी एंड 4 केजी, ये रेस्ट पे है, आप देख सकते हैं फ्रिक्शनल सरफेस, अंटिल एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन द फिगर, द कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेटेड बिटवीन टू बॉडीज, द कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अभी आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, इस प्रीवियस ईयर एक्चुअली गेट का क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, इन द टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉलोज द पैरेललोग्राम रूल बाय व्हिच वेक्टर फोर्स एफ इज रिजनेस, तो देखिए क्या बोला है कि टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं दो डायमेंशन में तो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनता है जो कि फॉलो करेगा पैरेललोग्राम लॉ। जैसे कि वेक्टर एफ है उसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ वाई, उसको हमने रिजॉल्व कर दिया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एफ एक्स और एफ वाई, ये आपका हो गया एफ वेक्टर, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ वाई, ठीक है।
where fx and fy are the vector component of force f in x and y direction respectively. तो fx क्या है और fy क्या है, ये vector component है force f का x और y direction में. The horizontal component of force f can be written as, तो f का जो horizontal component होगा उसको हम लिख सकते हैं fx is equal to f cos theta, fy को लिख सकते हैं f sin theta. तो f is equal to क्या होगा, under root f x square plus f y square. थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स. यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं. ठीक है. द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स मेनी टाइम्स रिक्वायर एनालिसिस ऑफ थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स एंड इन सच प्रॉब्लम्स इट इज ऑफन नेसेसरी टू रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू इट्स थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे अब आ रहा है थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम की बात कर रहा है कि कभी कभार जो मैकेनिक्स के स्टडी होती है वो जरूरत होता है उसको थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम को एनालाइज करना जरूरी होता है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट हैज थ्री हैज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है fx, fy एंड fz. fx इज इक्वल टू क्या हो गया, f cos theta x हो गया. ठीक है, fy इज इक्वल टू f cos theta y हो गया. fz इज इक्वल टू f cos theta z हो गया. तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर. ठीक है, x y z. ठीक है, डायलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ए बॉडी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a मे बी ट्रीटेड इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग एन इनर्शिया फोर्स ma इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो डायलेम्बर्ट प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि कोई बॉडी मूव कर रहा है, मान लीजिए एक्सेलरेशन a से, यहाँ पे ये बॉडी है ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से. ठीक है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मान सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. By applying an inertia force, एक inertia force हम लगा देंगे जिसका magnitude क्या होगा, F is equal to ma in the opposite direction of motion. Motion के opposite direction क्या करेंगे, एक inertia force लगा देंगे जिसका magnitude होगा m into a, और उसको मानेंगे कि body जो है static equilibrium में. तो ये आपका है body था, इसको इधर इस direction में ma लगा दिया और इसको treat करते हैं as a static equilibrium body. ठीक है, F is equal to summation of F is equal to क्या हो गया, m a vector. ठीक है, F1 plus F2, F plus F3 is equal to ma. यहाँ पे summation of F minus Fi is equal to zero हो गया. ठीक है, summation of F क्या है, F1 plus F2 plus F3 minus ma is equal to zero. देखते हैं moment क्या होता है. तो when a body moves in the direction of force, कोई body जब move करता है force के direction में, तो it also tends to rotate the body about an axis. तो वो क्या करता है, उस body को एक axis के about rotate भी करेगा. ठीक है, एंड दिस एक्सेस में भी एनी लाइन, या एक्सेस कोई भी हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है और पॉइंट हो सकता है, दैट नाइदर टू इंटरसेक्ट नॉट इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ना ही ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा इंटरसेक्ट करेगा, ना ही उसके पैरेलल होगा. दिस रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज नोन एज द मोमेंट. तो यह जो रोटेशनल टेंडेंसी होगा बॉडी का, बॉडी को कैसे रोटेट करना है, मतलब ये जो रोटेशनल टेंडेंसी क्रिएट करेगा इसको बोलेंगे मोमेंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट इन द बॉडी वॉज फोर्स एफ अप्लाइड एट अ डिस्टेंस आर टू द एक्सेस. मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, ये मान लीजिए आपका कोई बॉडी है, यहाँ पे आपका एफ फोर्स लग रहा है आर डिस्टेंस से. ठीक है, तो उस केस में जो एम क्रिएट होगा, मोमेंट क्रिएट होगा वो क्या होगा, एम इज इक्वल टू एफ डॉट आर. ठीक है, तो एम हो गया मोमेंट, एफ फोर्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस. यहाँ पे दिया हुआ इन अ फ्लूइड फ्लो वेक्टर फील्ड, एफ दिया हुआ है टू आई प्लस फोर जे प्लस थ्री के एट द पोजिशन आर टू आई प्लस फोर जे प्लस फोर के. ठीक है, force is applied of 2 kN, 4 kN and 3 kN respectively in x, y and z directions to determine the moment. ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है मोमेंट निकालना है. तो m not equal क्या होगा, r cross f होता है, देख रखा है हमने. तो i j के r दिया हुआ है दो चार चार दो चार चार और यहाँ पे f दिया हुआ है दो चार तीन. ठीक है, तो कैसे निकलता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो m not equal to i हो गया और चार तीन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस इंटू दिस. ठीक है, माइनस जे फिर ये कर देंगे टू थ्री इंटू फोर टू. ठीक है, तो टू इंटू थ्री माइनस टू इंटू फोर. ठीक, प्लस के ये करना कैंसिल, तो फोर इंटू टू माइनस टू माइनस टू इंटू फोर, ये जीरो हो गया. ठीक है, ये माइनस चार आ जाएगा यहाँ पे और छः माइनस आठ ये माइनस दो आ जाएगा. तो माइनस फोर आई प्लस टू जे आपका आ गया एम नॉट, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 20 किलोमीटर मीटर आ जाएगा. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. पॉइंट ए के अबाउट क्या निकालना है, हमको मोमेंट निकालना है.
टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द साइन बोर्ड पोस्ट एस ऑन दिस फिगर। तो जो फोर्स लग रहा है इस फोन के अबाउट, इस फोर्स का क्या निकालना है, इस काउंट के अबाउट मैग्नीट्यूड निकालना। तो क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, और निकाल लेंगे दिस फोर्स। मान लीजिए F1 into R1, ये R1 हो जाएगा और ये F2 into this force R2। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज ऐड हो जाएगा। ये बोला है 800 cos 60 इज इक्वल टू 400 न्यूटन, 800 into cos 60, ये आपका हो गया 800 into cos 60। तो cos 60 क्या होता है 1/2, ये 400, ठीक है, और 800 into sin 60 ये क्या होगा, 800 into sin 60, तो root 3/2, ये 400 root 3, जो कि 692.89, ठीक है। और R की बात करें हम तो 2i plus 3.5j, तो 2i हो गया आपका ये वाला डिस्टेंस, 2i और ये हो गया 3j, ठीक है, तो 2i है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस डायरेक्शन से हम 800 cos 60 दैट इज 400 into 3.5 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या, ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद r cross f मोमेंट निकालेंगे तो ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। कपल क्या होता है, तो मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन अ बॉडी इज कॉल्ड कपल। दो मोमेंट जो प्रोड्यूस होता है बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्ट करता होता कर रहा होता है उस बॉडी में, इसको बोलेंगे कपल। द कपल डज नॉट हैव रिजल्टेंट फोर्स, कपल के पास क्या होता है, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होता है, ठीक है। ये आपका हो गया एफ, ये हो गया एफ, कोई अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को कट रहा है, लेकिन क्या होगा, ये दोनों फोर्स मिलकर एक इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। Now consider two equal and opposite forces. दो consider कर सकते हो, two equal and opposite forces, F and minus F, which are d d distance apart from each other. तो एक दूसरे से क्या है, d distance पे हम, as in the figure, these two forces never join into a single one. जो ये दो forces हैं, never join into a single one, कभी join नहीं करेगा. And because this resultant sum is zero. तो जो resultant sum आएगा, ये zero आएगा in every directions. लेकिन ओनली प्रोड्यूस रोटेशन, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। द कंबाइंड मोमेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ओ इन देयर प्लेन द कपल एम, ठीक है। अगर बात करें इसके मैग्नीट्यूड का, इस कपल का, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ए प्लस डी माइनस एफ ए, तो एम इज इक्वल टू एफ डी हो जाएगा। द एक्सप्रेशन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, से तो एक्सप्रेशन शो कर रहा है ना, ये शो कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस से। तो जो डिस्टेंस ए है, विच लोकेट्स द फोर्सेस विद रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंट, सेंटर ओ, जो सेंटर ओ से रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्ट में, उससे इंडिपेंडेंट है। मोमेंट ऑफ अ कपल हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल द मोमेंट सेंटर्स, मोमेंट्स का कहीं भी रख लो, उससे क्या होगा, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से कहीं भी रख लो, अब फर्क नहीं पड़ता है सबका, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो वहाँ पे एफ डी ही होगा, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, इसको देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम का जो मास होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी का, तो उसको बोलेंगे मोमेंटम, ठीक है। इसको लिख सकते हैं पी इक्वल टू एम इन टू वी, पी हो गया लीनियर मोमेंटम, एम हो गया मास ऑफ सिस्टम और बॉडी, वी हो गया वेलोसिटी ऑफ सिस्टम और बॉडी। तो लीनियर मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एम इन टू वी है, तो v वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मास स्केलर क्वांटिटी है, तो ओवरऑल p क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। द लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, एंड ऑल्सो इट्स वेलोसिटी। बाय दिस, फॉर ग्रेटर मास और ग्रेटर वेलोसिटी द मोमेंटम ऑल्सो बिकम्स ग्रेटर, अगर जो इसका मास ज्यादा है या ज्यादा वेलोसिटी है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर पूछ लिया कि लीनियर मोमेंटम का SI यूनिट क्या हो गया, तो kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग एक्सिस,
रोटेटिंग एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी से, वही उसका हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बाय विच रोटेशनल मोमेंटम कैन बी फाउंड फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। एंगुलर मोमेंटम होता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है बाय विच रोटेशनल मोमेंटम कैन बी फाउंड, जहां से हम क्या कर सकते हैं रोटेशनल मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं बाय ए फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। क्लियर है? मैथमेटिकली अगर बात करें तो एल वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर होगा। एल यहाँ पे क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। डब्ल्यू वेक्टर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, एस आई यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंगुलर मोमेंटम एन एक्सपेरिमेंट विद बाइसिकल रिम कैन बी डन। तो इसको समझने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए क्या करेंगे हम, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं विद अ साइकिल रिम। ठीक है, इन दिस बाइसिकल रिम एक्सटेंड्स इट्स एक्सल ऑन बोथ साइड्स। इस यहाँ पे क्या होगा, बाइसिकल रिम होगा आप उसको एक्सटेंड कर देंगे इस एक्सल को दोनों साइड में, अटैच टू बोथ एंड्स ऑफ द एक्सिस विद अ स्ट्रिंग, और दोनों ही एंड एक्सिस के दोनों ही एंड को क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग से अटैच कर देंगे। नाउ होल्ड बोथ स्ट्रिंग्स इन वन हैंड, दोनों ही स्ट्रिंग क्या करेंगे एक हाथ में अटैच करेंगे, एंड रोटेट द रिम विद अनदर हैंड इन सच ए वे रिम रिमेन्स वर्टिकल बाय रोटेटिंग फास्ट, रिम डज नॉट टिल्ट। मतलब इस तरह से इतना तेजी से हमको घुमाएंगे ताकि वर्टिकल पोजिशन में ही बना रहे। नाउ लीव वन स्ट्रिंग, अब नाउ एक स्ट्रिंग को छोड़ दो। We can see that the rim keeps rotating in a vertical plane. तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे जो रिम है एक स्ट्रिंग को छोड़ने के बावजूद भी एक ही मतलब वर्टिकल प्लेन में ही रोटेट कर रहा होगा। एंड द प्लेन ऑफ रोटेशन टर्न अराउंड द स्ट्रिंग फर्स्ट विच यू आर होल्डिंग, जो हम दूसरा होल्ड किए हुए उसके प्लेन ऑफ रोटेशन को टर्न कर देगा। By this experiment, we can see that the axis of rotation of the ring or equivalently its angular momentum process about the string first. ठीक है, ये आपका दिया हुआ यहाँ पे, ये इनिशियल स्टेट है। ठीक है, ये फर्स्ट एंड है, सेकेंड एंड है, यहाँ पे रखे हम कुछ तेजी से घुमाएंगे और घुमाने के बाद जो है इसको हम छोड़ देंगे एक एंड को, सेकेंड स्ट्रिंग इसको ओपन कर दिया हमने, इसको कट कर दिया। ठीक है, आफ्टर लिविंग सेकेंड स्ट्रिंग फिर भी ये घूमता रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर हैज एन एंगुलर स्पीड ऑफ 2000 RPM। एक एंगुलर इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका एंगुलर स्पीड कितना है, 2000 RPM एट रनिंग स्टेज में। नाउ द पावर स्विचेस गेट्स ऑफ बाय वर्कर, अब पावर स्विच क्या है कि वर्कर के द्वारा बंद कर दिया जाता है। एंड द मोटर टेक्स 10 seconds टू कम इनटू द रेस्ट पोजीशन, मोटर जो है 10 सेकेंड लेता है रेस्ट पोजीशन वहां में। कैलकुलेट द एंगुलर डी एक्सेलेशन अज्यूमिंग दैट इट इज कांस्टेंट, तो आपको निकालना है क्या एंगुलर डी एक्सेलेशन, तो निकाल लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम ऑफ पावर स्विच ऑफ वो ओमेगा एन इक्वल 2π/60 होगा, 2 × π एन दिया हुआ है रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 2060, तो 209.44 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा 1 था जो इनिशियल रेडियल वेलोसिटी था। ठीक है, ओमेगा 20 हो गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया W2 - W1/T2 - T1, W2 हो गया 209.44 - 0, T2 10 - इतना आ गया सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन और दिया हुआ है कि व्हाट विल हैपन टू एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इफ ए मास एम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस से। ये पूछा है कि क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इफ ए मास एम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग पैरेलल अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होता है मूव कर रहा है ओरिजिन से अवे की तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, तो निकाल लेंगे क्या होगा एंगुलर मोमेंटम कैन बी अबाउट ओरिजिन, ये क्या होगा एम आर इंटू वी। ठीक है, तो एम इजकल टू आर वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जी टू यू आई, तो इसको क्या करेंगे क्रॉस वेक्टर निकाल देंगे, तो माइनस एम यू आर साइन थीटा के माइनस एम यू एच के। ठीक है, अब देखते हैं एक और कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है, ये टी इज कल्टू जीरो में हमने क्या किया वी वेलोसिटी दिया है, और ये ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगा, टाइम इज कल्टू टी इज कल्टू थ्री, ये आपका एच हो गया कैपिटल मैक्सिमम हाइट जो बॉल रीच करेगा, ये आर हो गया रेंज हो गया। ठीक है, तो वी यहाँ पे क्या है प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, थीटा क्या है प्रोजेक्शन एंगल है, एच क्या हो गया मैक्सिमम हाइट हो गया, टी टाइम ऑफ ट्रैवल, आर हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्शन। टाइम ऑफ ट्रैवल क्या होगा कितना टाइम लगा उसको जहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ पहुँचने में, t इज इक्वल टू 0 पे v cos theta हो गया, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, y डायरेक्शन में क्या होगा v sin theta हो गया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा u + at, तो 0 इज इक्वल टू v sin theta +
माइनस जी टी अपन टी। यहाँ पे जो ऊपर गया टाइम टी इज इक्वल टू पोजिशन में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, तो इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। यहाँ मतलब क्या हो गया, टी इज इक्वल टू जीरो है, टी इज इक्वल टू टी है, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी बाई टू है। तो वी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी होता है, तो यू क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इसके पास जीरो है, तो जीरो, और वी साइन थीटा आपका हो गया इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी साइन थीटा, और जी फोर्स लग रहा है तो माइनस जी, और टाइम टी बाई टू, तो यहाँ से टी आ गया आपका टू वी साइन थीटा अपन जी, यही यहाँ पे निकला हुआ टाइम पीरियड इक्वल टू वी साइन थीटा अपन जी हो गया। मैक्सिमम हाइट को अगर पूछ दिया तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर टॉप पोजिशन में क्या होगा जीरो होगा, वी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपन माइनस टू जी एच, एच इक्वल क्या हो गया वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। रेंज अगर पूछ लिया तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी क्या हो गया वी कॉस थीटा टी प्लस हाफ ए टी, ए एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो यहाँ पे ए जीरो आ गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। आर इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टू वी साइन थीटा अपॉन जी, आर इक्वल टू वी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी फॉर अ मैक्सिमम हाइट एच, मैक्सिमम हाइट एच साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट एच के लिए क्या क्या होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला में निकाला है वी स्क्वायर साइन सॉरी एच ना एच आपका ये हो गया फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, इसको मैक्सिमम करना है तो वो यहाँ पे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन को मैक्सिमम करना पड़ेगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एच विल मैक्सिमम, मतलब परपेंडिकुलरली अगर हम उसको उठाएंगे मतलब फेंकेंगे बॉल को तो क्या होगा मैक्सिमम हाइट अटेंड कर पाएंगे। अगर मैक्सिमम आर निकालना होगा तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, साइन ये आपका होगी आर का वैल्यू, तो साइन टू थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, इसको वन लाना पड़ेगा, मतलब टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ इस केस में आर मैक्सिमम होगा, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन, फॉर द क्लाइक इज एम्ड एट टारगेट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फॉल्स 12 मीटर शॉर्ट एट 15 डिग्री एंगल, तो 15 डिग्री एंगल पे क्या होता है, 15 डिग्री एंगल पे क्या होता है 12 मीटर शॉर्ट गिरता है, इट ओवरशूट्स बाय 24 मीटर एट 45 डिग्री एंगल, जब 45 डिग्री एंगल से इसको चलाते हैं तो क्या होता है 24 मीटर क्या होता है आगे गिरता है। फाइंड द एंगल टू हिट द टारगेट, टारगेट पे हिट करने के लिए कितना एंगल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे तीन अलग अलग इक्वेशन बनेगा उससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या है आर माइनस 12 आर था, आर माइनस 12 इक्वल टू आर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया वी स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे आर का। एक और इक्वेशन आर प्लस 24 इक्वल टू वी स्क्वायर साइन टू थीटा इंटू जी, इक्वेशन वन और टू से क्या निकालेंगे आर हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस एट होम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका खत्म होता है यहाँ पे जो कि है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम ये खत्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।